जिसमें कसम खाते हैं डाइवर पहुंच जाते हैं ठीक है लास्ट हां आओ आओ अरे अभी जो है गाना गाता है वो गाते हैं वो हां तो ये भी तो कहानी बताते हैं कि वो लोग कॉफी की कॉफी भगवान बताओ कल अरे इस वाली फोटो में और फोटो नहीं है पता देगा और तेरे उनके बिल्कुल जो पैसा आएगा हम लेके भोपाल आएंगे और तुम्हें साथ ले जाके उस परिवार को दे देंगे और नहीं आया अच्छा उस गाने में भी लाली लाली डोलिया वाले गाने में जो पीछे बच्चे भी लेंगे तो दो तीन सवाल जैसे यही लोकेशन क्यों चुनी गई थी जैसे फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी थी तो बिहार पर बेस्ड कहानी है दूसरा कौन सा प्रश्न था अच्छा दूसरे उस समय के मतलब शैलेंद्र जी की जो खुद की फिल्म थी तीसरी कसम उसकी काफ़ी बड़े हिस्से की शूटिंग सागर के आसपास और सागर में हुई थी गांव में तो साइट का चयन कैसे किया गया था चूँकि शैलेंद्र जी खुद बुंदेलखंड के थे इसलिए उन्हें बुंदेलखंड के लोग और बुंदेलखंड की धरती से प्यार था और जिस तरह की कहानी तीसरी कसम में थी रेणु की कहानी पर आधारित फिल्म थी ग्रामीण परिवेश में समझता हूँ मध्य प्रदेश और सागर जिले से बेहतर कहीं और नहीं आज भी हमारे ज़िले के बड़े शहर गांव से भी बदतर हैं और गांव का सबसे अच्छा चित्रण हमारे बड़े शहरों में भी बहुत ठीक दृष्टि से हो सकता है कौन कौन से हिस्से एक आध गांव और है जिसका नाम नहीं है कौन कौन लोग आए थे यहाँ जी कौन कौन यूनिट के कौन कौन से सदस्य आए थे कहाँ रुके थे उस समय की जो आपको स्मृति शैलेंद्र आए थे वहीदा रहमान आई थी बासु भट्टाचार्य डायरेक्टर आए थे पाछी प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए थे ये लोग बीना रेस्ट हाउस में रुके थे और जब सागर आए तो राधेश्याम भवन में रुके थे और जैसे खिमलासा में किन हिस्सों की शूटिंग हुई थी एक रास्ते की लंबे रास्ते की हुई थी अच्छा उस समय राज कपूर जी से जुड़ी कुछ और यादें हैं सागर और राज कपूर जी से मेरा शैलेंद्र जी से तो बहुत पुरानी दोस्ती थी राज कपूर जी से पहला परिचय मेरा बीना रेस्ट हाउस में हुआ शैलेंद्र जी ने मेरा परिचय कराया बोले अच्छा अच्छा यही हूँ विट्ठल भाई जो बहुत अच्छी चिट्ठियाँ लिखते हैं मैं शैलेंद्र जी का खत बहुत लिखता था ये बहुत अच्छी चिट्ठियाँ लिखते हैं फिर बोले विट्ठल भाई आए हैं लाओ भाई जल्दी जॉन साहब आए हैं लाओ चार गिलास शराब ले आया जॉन ये पैग मेरे लिए विट्ठल भाई के लिए कॉफ़ी लाओ और ये बात मुझे ज़िंदगी भर याद रही लोग कहते हैं राज कपूर शराब पिलाने के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि विट्ठल भाई एक घूंट पी लो और इसकी मुझे बहुत खुशी भी है और मैं उनके लिए जीवन भर आभारी भी रहूँगा
पदक, तीसरी कसम को राष्ट्रपति पदक मिला था। पदक का हाय क्या कीजिए, कसम का हाय क्या कीजिए, उम्र भी दे गए जो ब्याज में, बेशाह क्या कीजिए। और दरअसल तीसरी कसम का निर्माण फाइनेंसर उम्र भर ले गए, ब्याज कमाया और शैलेंद्र को मार दिया और एक बहुत अच्छा इंसान इस दुनिया से चला गया। राज कपूर से तो आपका फिर लंबे समय तक संबंध रहा, बॉबी में आपने गाने लिखे, तो यहाँ से जो आपका जुड़ाव हुआ वो किस तरह से आगे बढ़ता रहा, वो आपको किस तरह सुनने? जब यहाँ से राज कपूर साहब गए राधे शाह, उन्होंने रुके थे दो दिन, उनका विट्ठल भाई बम्बई आओ तो मिलना, उन्होंने एक टेस्ट मैच बम्बई में चल रहा था, करीब तीन महीने बाद मैं बम्बई गया और राज कपूर की हर टेस्ट मैच जरूर देखते थे, ब्रिबोन स्टेडियम में पीछे से आकर किसी ने मुझे बांध, बोले विट्ठल भाई तुम बम्बई आए हो और मुझे नहीं बताया, सब मैं समझा शायद आप भूल गए होंगे, बोले राज कपूर है भूलता नहीं है, आज शाम को आओ। और शाम को मैं आर के स्टूडियो पहली बार गया तो वहाँ पर वॉचमैन से लेके जनरल मैनेजर तक हाजिर थे, उनका आइए विट्ठल भाई जी राज साहब आपका इंतज़ार करते हैं। और इस घटना को भी मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। और उसके बाद हमारी दोस्ती बढ़ती गई और हम लोग बहुत अच्छे मित्र हो गए। एक बात और राज कपूर की याद आती है मुझे, राज कपूर जी ने एक दिन मुझसे कहा था, विट्ठल भाई दुनिया में सब काम करना लेकिन कभी फिल्म फाइनेंस मत करना, और मैंने वाकई में किसी फिल्म में एक पैसा नहीं लगाया, क्योंकि ये बात राज कपूर कह गए थे। तो ये जो आपने बात बताई कि फाइनेंस करने से उन्होंने, तो शायद उनके उनके दिमाग में ये चल रहा था कि कभी जो है यदि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतरे तो अक्सर धोखा खा सकता है, तो शायद इसीलिए आपसे सही और सच्ची सलाह दी, एक दोस्त ही दे सकता है। और इस इलाके के विषय में बहुत सीधे लोग हैं, बहुत अच्छी आबो हवा है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ये सारी बात उनके दिमाग में थी। और राज कपूर को हमारा इलाका बहुत अच्छा लगा और वे जब भी मैं जाता था तो कहते थे मैं सागर आना चाहता हूँ। इसके बाद मेरी लड़की की शादी में आए थे राज कपूर, मैंने किसी और घर में उनके लिए शराब और मुर्गे का इंतजाम किया था, मैं अपने राजेशा भवन में तो ना शराब अलाउ करता हूँ ना मुर्गा, बोले विट्ठल भाई लड़की की शादी में आया हूँ, मैं ना मुर्गा खाऊँगा ना शराब पीऊँगा, लड़के की शादी में आऊँ जब पिलाना। और आप यकीन नहीं करेंगे, रिसेप्शन शुरू हुआ वो वर वधू को आशीर्वाद देके चार गाड़ियाँ लेके भोपाल चले गए, दाहदगढ़ के पास उन्होंने चारों गाड़ियाँ रुकवाई, उसमें राज कपूर थे, सोहन लाल कंवर थे, सुभाष गई थे, ये सारे लोग बम्बई से आए थे। और रास्ते पर दरी बिछा कर बैठ गए शराब, जितने ट्रक वाले आ रहे उनसे पूछा तुम विट्ठल भाई पटेल को जानते हो, बोले हाँ, बोले बैठो आज उनकी लड़की की शादी है मैं उनका दोस्त शराब पी, और जितने लोग आते थे ट्रक वाले सबको शराब पिलाई। ये घटना भी मेरे ज़िंदगी की अभूतपूर्व घटना है। भोपाल में होटल में रुके लेकिन बिल पेमेंट उन्होंने खुद किया, हमारे आदमी को पेमेंट नहीं करने दिया, बोले मैं लड़की की शादी में आया हूँ, लड़के की शादी में आओ जब तुम होटल का बिल पेमेंट कर। अजीब आदमी थे, हटके आदमी थे। और बॉबी से जुड़ी कुछ यादें आपको जो अनुभव है? बॉबी के समय लक्ष्मीकांत प्यार बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, मेरा नाम जोकर के फेल होने के बाद राज कपूर फाइनेंशियल क्राइसिस में, जब राज कपूर ने उनसे कहा कि मेरी फिल्म के चार गीत विट्ठल भाई लिखेंगे
तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा ये संभव नहीं है, हमारी टीम तो आनंद बख्शी के साथ है। तब राज कपूर ने मुकेश जी को बुलाया, मुकेश प्लेबैक सिंगर, उनसे कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कह दो विट्ठल भाई नहीं बॉबी मैं तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी नहीं। और ये बात केवल राज कपूर कर सकते थे और कोई नहीं। गर्दिश के दोनों में भी राज कपूर ने अपना स्वाभिमान और दोस्ती नहीं छोड़ी और ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। उसके बाद फिर आनंद भवन पर दोबारा